लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, सीधे आपका रुख करते हुए जो बातें कही गई हैं सुशांत सरीन की ओर से, उसी को आगे बढ़ाते हुए, आपको लग रहा है क्या कि दो फाड़ हो चुकी है पाकिस्तान की सेना, और क्या इसका श्रेय इमरान खान को जाता है कि ऐसा कर पाने में वो कामयाब होंगे? क्या फौज सरेंडर करेगी, या आपको लगता है कि पाकिस्तान के भीतर और ताकत के साथ वो लड़ाई लड़ेगी ताकि जो कमान है हमेशा उसके हाथ में बनी रहे, जैसा कि इतिहास भी पाकिस्तान का रहा है? क्या दिखता है फौज का भविष्य? चित्रा जी धन्यवाद। जैसे सुशांत साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, उनका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त मैं कहूंगा, लेकिन ये बात ये है कि जैसी फौज में, पाकिस्तानी फौज में दरार पड़ चुकी है, वो दरार इतनी गहरी है कि आप देख सकते हैं कि फौज कहीं आपको नजर नहीं आ रही। टीवी स्क्रीन में आप देखो, रेंजर्स हैं, वो भी फौज की पार्ट है, पुलिस है, सब कुछ है। फौज ने अपने आप को दूर इसलिए रखा है कि फौज के बीच में दरार पड़ी हुई है। और अब जब 12 दिन की इनको जो रियास जो छूट मिली है, बेल मिला है, इसमें मुझे लगता है कि जो इनकी जो अदालतें हैं, इन्होंने एक मध्यस्थता करने की कोशिश की है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फौज एक तरफ होने हो गई है, लेकिन फौज के बीच में भी दरार पड़ी हुई है और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच में भी दरार है, पीपीपी और पीएमएलएन के बीच में भी दरार है। ऐसे माहौल में जब ये जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो इमरान खान की है, इसका जो है बोलबाला पंजाब के अंदर काफी है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पॉपुलैरिटी जो है इमरान खान की है, और उस पॉपुलैरिटी के मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके से उन्होंने ध्वस्त भ्रस्त कर रखा है पाकिस्तान को, इधर जलाओ, कोर कमांडर के घर जलाओ, रावलपिंडी में घुस जाओ, तो फौज भी आगे नहीं आ रही है, फौज भी पीछे है, फौज की दरार। और अब जिस प्रकार से कार्रवाई है, मुझे लगता है कोर्ट ने उस मद्देनजर रखते हुए, अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि कम से कम 12 दिन हैं, आज भी अगर फौज तीसरी बात डील करे या इमरान खान के साथ बातचीत करे या शहबाज शरीफ के साथ बातचीत करे कि आप लोग संभाल लो, नहीं तो मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता है, फौज को भी अपना घर संभालना है, क्योंकि फौज के बीच में दरार, पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में दरार, तो मुझे लगता है उस माहौल में जो कोर्ट ने जो सुनाया है 12 दिन का, वो आई थिंक इट्स क्वाइट राइट। उसी तरीके से कम कुछ एक शांति अमन पाकिस्तान के अंदर आ सकता है, नहीं तो पाकिस्तान तो सिविल वॉर क्या, मुझे लगता है टूट फूट करके रह जाएगा पाकिस्तान। उससे बचने के लिए अदालत ने मौका दिया है, अब जो मौका दिया है, मुझे लगता है सबने मिलकर के अब सोचना है कि आगे क्या करना है। उसके लिए शहबाज शरीफ इमरजेंसी लगा सकते हैं, क्योंकि फौज जो है आज की तारीख में मार्शल लॉ लाने में मार्शल लॉ नहीं ला सकती है, क्योंकि उनके बीच में ही फूट पड़ी रही। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान को बचाने की बड़ी चुनौती है और ये सभी की जिम्मेदारी भी है, जिस तरह के हालात इस वक्त रजा फैजल जी पाकिस्तान के भीतर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन तीन बातें जो यहां पर मेहमानों की जुबान से निकलकर सामने आई, एक तो ये, क्या जो अदालतें हैं वो इमरानिस्तान बन चुकी हैं? नंबर टू, क्या फौज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और क्या मौजूदा वक्त को देखते हुए वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, इस तरह का फैसला किया जा सकता है सरकार की ओर से? चित्रा जी, वन बाय वन मैं सारी चीजों को एड्रेस करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस, तो आई थिंक पाकिस्तान में यही हुआ है, नंबर वन। और नंबर टू, अगर इस फैसले को देखा जाए जो गिरफ्तारी को कलदम करार दिया गया, ऐसे कोर्ट में से किसी को पकड़ना और जबकि वो कोर्ट में खुद से मौजूद हों और नैब की टीम की तरफ से जब उनको पकड़ा गया, उसको कलदम क्यों करार दिया गया? मैं कल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंट, एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया गया जो कि एक B4U के मालिक थे, उनके खिलाफ भी नैब का ऐसा ही केस था। जब वो कार पार्क में मौजूद थे तो उनको भी नैब की टीम ने सुप्रीम कोर्ट की कार पार्क से, हाई कोर्ट की कार पार्क से ऐसे ही उठाया था, सुप्रीम कोर्ट की कार पार्क से। और जब सुप्रीम कोर्ट की कार पार्क से उनको उठाया गया था तो उनके हक में भी इसी तरीके से फैसला आया था, और मेरे ख्याल में ये उसी प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात ये है कि लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, यू टॉक्ड अबाउट द इमरजेंसी सिचुएशन की क्या चांसेस हैं, मेरे ख्याल में पिछले 3 दिन से ऑलरेडी से पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज है, जो कि आज जिसको के खत्म होता हुआ जो कि नजर आ रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी पाकिस्तान में ऑलरेडी थी, जो कि आज के फैसलों से
वो खत्म हो जाएगी मेरी नजर में, दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि आई एम एक्सपीरियंसिंग जो कुछ हो रहा है। मिलिट्री की जहां तक बात है, मिलिट्री इंटैक्ट है। जो भी आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शायद फलां कोर कमांडर को सैक कर दिया गया या फलां कोर कमांडर को लाइन हाजिर कर लिया गया, दिस इज ऑल फेक न्यूज, ये सबके सब फेक न्यूज है। आर्मी ना तो इस सारी गेम का हिस्सा थी, मिलिट्री ने पॉजिटिव रोल प्ले किया, मिलिट्री ने जो स्टेटमेंट भी दी आईएसपीआर की जानिब से, जो स्टेटमेंट भी आई उसमें भी आपने देखा होगा कि जब इन तंसीबात के ऊपर, मिलिट्री की तंसीबात के ऊपर क्रैकडाउन किया गया प्रोटेस्टर्स की तरफ से या किसी की भी तरफ से, आई डोंट गेट इनटू डिटेल्स, लेकिन ये है कि मिलिट्री ने आगे से गन्स नहीं उठाई, बुलेट्स नहीं फायर की। हाँ। उसकी वजह यह है कि दे डू नॉट वॉन्ट टू they do not want to fire their own people. This is what they are maintaining. Or there is no divide within the military. Military is playing the positive role. And military ne pehle bhi barha kaha hai ke wo martial law kabhi bhi nahi lagayenge, number one. And number two, they are strictly apolitical. वो अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रख रहे हैं वाली बातों पर कौन भरोसा करेगा। इफ्तिखार चौधरी हमारे साथ थे, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं सुशांत सरीन जी। सुशांत जी, आपको उनकी बातें क्यों गलत लग रही हैं? नहीं, एक तो ये जो ये कह रहे हैं कि जी फौज ने इसलिए गोली नहीं चलाई क्योंकि फौज अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाती, तो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो बलोच हैं या जो पश्तून हैं वो इनके लोग नहीं है, क्योंकि वहां पर तो गोली चलाते वक्त फौज को कोई ज्यादा संकोच नहीं होता। हमने देखा है कि चमन में भी उन्होंने गोली चलाई और बलूचिस्तान में तमाम जगहों पर गोली चलाई गई है। जो पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना जब जुलूस लेके जा रहे थे उनके ऊपर गोली चलाई गई, उसमें से 10-15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, किसी की कोई पूछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब वो शायद हो सकते हैं कि इनके लोग नहीं है और सिर्फ पंजाब के लोग इनके लोग हैं, चलिए ठीक है, वो मैं बात मान लेता हूँ। दूसरी चीज, इनका ये कहना कि फौज के अंदर कोई दरारें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो या तो फिर फौज ओपनली डिक्लेयर करे कि ये जो जितनी अफवाहें चल रही हैं या जितनी खबरें आ रही हैं कि कोर कमांडर को और उनके जो चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, चीफ ऑफ स्टाफ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है, ये सारी गलत खबरें हैं। जो बाकी खबरें हैं कि बाकी लोगों के ऊपर गाज गिरने वाली है और उनको साइडलाइन किया जा रहा है, ये भी सारी गलत खबरें हैं। तो सब इन इन जनाब के 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 माध्यम से इन इन खबरों का खंडन करने से बेहतर तो ये होगा कि आईएसपीआर आके बता दे, ओपनली डिक्लेयर करे कि जी ऐसी कोई चीज नहीं है, फौज बिल्कुल मुत्तहद है। रजा फैजल जी, एक लाइन में अगर आप अपनी जवाब दे पाए, एक लाइन में, एक लाइन में रजा फैजल जी इस पर जवाब देना चाह रहे थे। रजा जी, एक लाइन में प्लीज। जी चित्रा, चित्रा पहली बात तो ये कि वो सीजे शिवर्स ने कहा था कि वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया इट्स नॉट न्यूज, न्यूज इज वट यू क्रिएट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी नजर आ रहा है, अब हर एक बात को डेली कोई ना कोई बात लिखी जाती है।